बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान जो पिछले कुछ महीनों से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के अंदर व्यस्त चल रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी शाहरुख खान ने अपने आने वाली फिल्म के ऊपर काम करना नहीं छोड़ा। और यही सबसे बड़ी खासियत है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। और अभी रिसेंट में शाहरुख खान का एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में शाहरुख खान जो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और शाहरुख खान इस वीडियो के अंदर जाने माने सिनेमेटोग्राफर और उनकी 2001 में आई फिल्म अशोका के डायरेक्टर संतोष सिवान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में PRANX एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था। शाहरुख खान इस वीडियो में उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, और शाहरुख खान ने इस वीडियो के माध्यम से ही अपने आने वाली फिल्म दी किंग का अनाउंसमेंट भी चुपके से कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो में शाहरुख खान जो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी बाई तरफ की टेबल पर एक स्क्रिप्ट रखी हुई नजर आ रही है, और उस स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है किंग, यानी ये किंग फिल्म की स्क्रिप्ट है जिस पर शाहरुख खान अपने ऑफिस के अंदर बैठकर काम कर रहे थे। और इस वीडियो पर पब्लिक का कहना है कि शाहरुख खान ने जानबूझकर फिल्म किंग की स्क्रिप्ट को टेबल पर रखा है, और वो इस फिल्म की ऑफिशियल अपडेट से पहले इस फिल्म का हाइप बनाना चाहते हैं, इस फिल्म का बज बनाना चाहते हैं, इसलिए शाहरुख खान ने इस वीडियो के अंदर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को रखा है, क्योंकि इससे पहले भी शाहरुख खान जो अपनी फिल्म को अलग अलग तरीके से प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही 2023 में आई फिल्म पठान जो समय से पहले ही चर्चाओं में आ गई थी, वो भी शाहरुख खान के द्वारा, क्योंकि शाहरुख खान ने बिना मीडिया में जाए अपने सोशल मीडिया से अपने एस्क के आस्क मी सेशन से अपनी फिल्म पठान को प्रमोट किया था। और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म दी किंग को प्रमोट करने के लिए कुछ डिफरेंट तरीका अपनाया है, क्योंकि वो लगभग अपनी फिल्मों को कुछ डिफरेंट तरीकों से ही प्रमोट करते हैं। दी किंग फिल्म शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है जो 2025 में रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी इस फिल्म की अहम भूमिका में नजर आने वाली है। और इस फिल्म के अंदर गुरु और शिष्य की जर्नी को हमारे सामने दिखाया जाएगा, जिसमें गुरु शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान जो शिष्य के किरदार को निभाने वाली है, और दी किंग फिल्म में शाहरुख खान एक डॉन की भूमिका निभाने वाले हैं। और शाहरुख खान की फिल्म दी किंग को सुजोय घोष डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले जाने जान जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई थी और अपनी इस फिल्म से हमारे दिमाग की वाट लगवाई थी। तो उनका वही सस्पेंस जो हमें शाहरुख खान की फिल्म दी किंग में भी देखने को मिलने वाला है। और शाहरुख खान की फिल्म दी किंग में अनिरुद्ध रविचंदन ही म्यूजिक देने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी म्यूजिक दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर काम करने वाले हैं, और शाहरुख खान की फिल्म दी किंग जो पूरे 200 करोड़ के बजट की फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्ली के द्वारा ही बनाई जा रही है। और इन सभी टोटल डिटेल्स को देखकर शाहरुख खान की इस फिल्म से भी काफी बड़ी बड़ी वाइब्स आ रही है। तो क्या आप पठान, जवान और डंक की फिल्म के बाद शाहरुख खान की दी किंग फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अपने एस्क के, वाह क्या वर्डिंग है।